हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइज, बहुत दिन बाद मैं कुछ शूट कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। सो गाइज, तो मैं स्टेशन पे हूँ, तो कहीं ना कहीं जा रही होंगी, तो बस वो सब आपको आगे पता चलेगा। ब्लॉग में कंटिन्यू बने ही रही है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे साथ है मेरे बड़े जीजू और हमारा प्यारा सा नंदन और मेरी दीदी और मेरी मम्मा और मेरे फादर जो कि चाय पिए जा रहे हैं। तो बस हम लोग अभी निकल रहे हैं और हम लोग अभी तारसी स्टेशन पे हैं। काफी देर से आगे की जर्नी का जो भी रहेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप कंटिन्यू बने रही है। सारे बहुत मस्ती करने आ रहे हैं और ये हमारा लगेज बहुत सारा है, बस ट्रेन का इंतजार है। सो गाइज, बस यहाँ पे इंतजार हुआ खत्म, आ गई है हमारी ट्रेन, बस स्टेशन पे लगना बाकी है। और ये अनुव्रत एक्सप्रेस, अगले 36 घंटे का सफर हमको इसी ट्रेन में करना है। और बस उसके बाद हम लोग ट्रेन में चढ़ गए और अपनी बोगी में अपनी सीटों पे सेटल हो गए अच्छे से। और हमारी दो सीट नीचे की हैं एंड चार मिडिल और अपर मिला के, तो बस यहाँ पे हम लोग सेटल हो गए हैं। सेटल होने के बाद सबको लगा कि कुछ कुछ मंचिंग सा चाहिए चटर पटर खाने के लिए, तो बस यहाँ पे सब लोगों ने चालू कर दिया खाना। मम्मी पूरी तैयारी से आई हुई थी क्योंकि हमको वैसे ही 36 घंटे ट्रेन में ही बिताना है और ये टूर हमारा थोड़ा सा लंबा है और फैमिली के साथ है, तो बस खाना पीना तो चलता ही रहेगा। अब खाने के बाद थोड़ा सा लगा कि चाय शाय हो जाए, तो बस सब लोगों ने यहाँ पे बढ़िया चाय बुलवाई। हालांकि ट्रेन की चाय थी, चाय को बढ़िया एंजॉय किया। और अब जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ, मेरी थोड़ी सी तबीयत मतलब लो हो गई थी। हालांकि मैं इसके पहले भी दो सफर करके आई हुई थी ग्वालियर से घर तक, तो ऑलरेडी मेरी डाउन थी और सफर में तो वैसे ही डाउन हो जाती है। एनीवेज ये सब तो चलता ही रहता है, घूमने फिरने में किसको कहाँ मतलब तबीयत का ख्याल रहता है। और गाइज, ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो बस ये हम लोग पहुंच चुके हैं चेन्नई स्टेशन। ये काफी बड़ा जंक्शन स्टेशन था, काफी साफ सुथरा भी था, तो सोचा यहाँ पे और काफी देर तक ट्रेन रुकी हुई थी, तो हम लोग उठ के सब लोग यहाँ पे मतलब जिसको जो भी करना था फ्रेश वगैरह हुए और यहाँ पे पापा वॉक वगैरह कर रहे थे क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ट्रेन में ही बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने घूमा फिरा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फोटोज वगैरह ली और फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे चल रही है गॉसिप गटर मस्ती, तो बस सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई बैठ रहा है, उठ रहा है, रेस्ट कर रहा है, अब यही कर सकते हैं। और हम यहाँ पे बढ़िया बाहर सफर का लुत्फ उठाते हुए और फिर से लगा कि कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि ट्रेन में तो काफी लगता है। तो बस यहाँ पे जैसे मैंने कहा था मम्मी फुल व्यवस्था से आई हैं, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों ने बेल पूरी नमकीन वगैरह मिला के थोड़ा सा ये चटर पटर टाइप का खाया क्योंकि ट्रेन का खाना तो वैसे भी नहीं पसंद आता है। तो बस हम लोग यही जब भी भूख लगती थी थोड़ा सा यही सब इंजॉय कर लेते, तो थोड़ा सा लगा कि टाइम पास नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा कुछ कुछ करा जाए। तो मैं यहाँ पे मम्मी को लगा रही थी नेल पॉलिश और फोन में भी नेटवर्क नहीं था तो कुछ कर भी नहीं सकते थे यहाँ पे, तो बस यही सब चल रहा था, सबका मतलब बात करना बातचीत यही। और ये देखिए मेरा फेस कैसा हो गया है क्योंकि यहाँ पे मुझे कर रहा था नन्नन परेशान, मतलब दीदी का बेटा, और यहाँ पे चल रही है पापा की नींद जोर से लगी हुई थी। तो बस, और हालांकि आपको ये क्लिप थोड़ा सा ही ब्लर टाइप का क्योंकि वही बना रहा था, उसने ही शूट करी है और वही मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं उसको बार बार बोल रही थी सही से पकड़। और ये रही मेरी दीदी। बस सो गाइज, ये ब्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम हो गया है, थोड़ा सा नहीं काफी टाइम हो गया है क्योंकि हम लोग बहुत पहले ही गए हुए थे ट्रिप पे। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत दिन से अपलोड करना चाह रही थी बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, कुछ भी कह लो, तो सोचा कि अभी अपलोड ही कर दें। तो बस गाइज, अभी हम लोगों को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है और बस इस देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल रूम। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं मदुरई और बस अभी हम लोग होटल रूम में हैं।
हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है, अब सब थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो रहे हैं और अब निकलेंगे थोड़ा सा घूमने के लिए। अभी शाम को अप्रोक्स 7:30 बज रहे हैं और बस अभी हम लोग टेंपल वगैरह विजिट करेंगे एंड नेक्स्ट डे फिर से ही मदुरई घूमेंगे। सो गाइस, तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि हम लोग आए हुए हैं रामेश्वरम यात्रा पे मम्मी पापा और मेरे बड़े दीदी बड़े जीजू के साथ में। तो बस आगे चल के आपको आगे के ब्लॉग में रामेश्वरम देखने को मिलेगा। सो गाइस, हम लोग हैं यहाँ पे मदुरई के मार्केट में। हेलो गाइस, और हम लोग जा रहे हैं मीनाक्षी देवी टेंपल। ये मतलब इवनिंग का टाइम है, तो बस हम लोग बस अभी आज का सोचा दिन यूटिलाइज कर लें और फिर कल से तो फिर है ही। तो बस हम लोग सभी लोग हैं, सिस्टर, माय मदर, फादर एंड मी एंड माय लिटिल चैम एंड माय जीजू। तो गाइज, ये है मीनाक्षी देवी अम्मा टेम्पल और ये यहाँ का बहुत 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 फेमस मंदिर है। तो बस हम लोगों ने सोचा अभी शाम को पहुँच गए हैं तो शाम की आरती में तो एटलीस्ट शामिल हो ही जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फोटो सेशन वगैरह किया और ये देखिए यहाँ की बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी जो मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी और बस फिर हमने उनके साथ थोड़ी सी सेल्फी ली और थोड़ी सी क्लिप बनाई। एंड गाइज, ये सेकेंड डे मॉर्निंग का क्लिप है हम फिर। सो गाइस, हम लोग अभी मदुरई में हैं और अभी हम आए हुए हैं मीनाक्षी टेंपल दर्शन करने के लिए। बढ़िया सब लोग नहा के फ्रेश व्रेश होके और अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हम लोग दर्शन हो चुके हैं तो फिर हम लोग अभी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड फिर आगे जाएंगे, थोड़ा बहुत मदुरई में विजिट करेंगे और फिर शाम को हम लोग निकलेंगे रामेश्वरम। आइसक्रीम काम तक मिलेगी सो गाइस, हम लोग हैं यहाँ पे विष्णु जी के टेम्पल मदुरई में। बस यहाँ पे हम आए हुए हैं, काश्री चीजा श्री माता श्री एंड बहना श्री एंड भैया श्री, मतलब कैंप श्री। गाइज, यहाँ के मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही सुंदर है और ये बहुत अंदर से पूरे गोल्ड के प्लेटिंग वगैरह होती है इनपे। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता है बट फिर भी मैं थोड़ा सा बाहर से मैंने सूट कर लिया था तो वही मैं आपको दिखा रही थी। ये बाहर एग्जिट का है। और गाइज, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लैंग्वेज का बहुत ज्यादा है। जिसको तमिल आती है वही बात कर सकता है और फिर जिसको इंग्लिश आती है तो वो भी सर्वाइव कर सकता है। सो गाइज, ये था हमारा मदुरई ट्रिप का छोटा सा क्लिप जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सब कुछ तो मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि यहाँ पे हर जगह मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था क्योंकि सब जगह फोन अपने लॉकर में जमा हो जाते थे। और गाइज, ये हमारी कुछ फोटोज जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आगे आपको रामेश्वरम का जो भी ब्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही। तब तक आप इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा और बस आगे वाला ब्लॉग